गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th में बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की। चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें 16.4 के बाद जो मिसलेनियस थी वो आपको क्वेश्चंस करने थे, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। 16 के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि ये होता क्या है, इसमें कौन से फॉर्मूले होते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें मीन तीन चीजें होती है, एक होता है मीन, एक होता है आपका मोड और एक होता है आपका मीडियन। एक मीन, एक मोड और एक होता है आपका मीडियन। मीन यानी कि माध्य, हिंदी में बोला जाता है माध्य। मीन टू टाइप का होता है और उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, और एक होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, जिसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य। सेकंड हमारा होता है मोड। मोड को हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। और थर्ड हमारा होता है मीडियन, जिसको हम बोलते हैं माध्यक। 17 नंबर चैप्टर में ये तीन चीजें हैं। अब हम बात करेंगे इन तीनों चीजों के फॉर्मूलों के बारे में कि इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो है मीन, यानी कि इसमें दो मेथड हो गए, डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य। तो हम बात कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन की और डायरेक्ट मीन की। पहला, मीन को हम रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा एक्स बार से। मीन को हम एक्स बार भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड की बात चल रही है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स का मतलब होता है चर का मान और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि बारंबारता और चर का मान क्या होता है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा मीन्स यानी टोटल, ये है डायरेक्ट मेथड। अब सेकंड इसी के अंदर फॉर्मूला आता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। इसको भी एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए भी एक्स बार लिखा जाता है, क्योंकि हम दोनों में निकाल माध्य ही रहे हैं। लेकिन दोनों में माध्य निकालने का, मीन निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो एज्यूम्ड मीन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी मतलब होता है डेविएशन, डी का मतलब डेविएशन, डेविएशन यानी कि विचलन, और एफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपके मीन निकालने के दो फॉर्मूले। मीन के बाद में आपका सेकंड जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है मोड, एम ओ डी ई। सेकंड नंबर के फॉर्मूला जो आता है वो है आपका मोड, यानी कि हिंदी मीडियम में, यानी कि हिंदी वाले बच्चे उसको बोलते हैं बहुलक। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, मोड एम। बहुलक का मीन्स होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही आपका बहुलक होता है। लेकिन कई जगह इसका फॉर्मूले का यूज होता है, तो मोड का फॉर्मूला होता है आपका एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट वन इंटू एच। एल का मीन्स होता है लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा, और एच का मतलब होता है आपका बीच का डिफरेंस, और एफ का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी होता ही है। ये है आपका सेकंड नंबर बहुलक। बहुलक का ये फॉर्मूला हो गया।
अब थर्ड नंबर में हम बात करेंगे माध्यक की। अब माध्यक हो गया आपका, थर्ड नंबर में आपका जो फॉर्मूला है वो है आपके माध्यक का, यानी कि मीडियन। माध्यक को भी हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं एम से, एम से मीडियन यानी माध्यक। इसका फॉर्मूला आपका होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट वन इंटू एच। ये है आपके माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक का सिंगल डिजिट में भी एक फॉर्मूला आता है एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये उसके अलावा जो तीन फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों फॉर्मूलों को लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के बाद में हम 17.1 से अपने चैप्टर को या 17.2 से हम अपने चैप्टर को, चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपका ना चैप्टर 17 का इंट्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम 17.1 और 17.2 नंबर चैप्टर जो है उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। क्लास 10th में बोर्ड का जो एग्जाम आता है उसमें आपके ये चैप्टर 6 नंबर का है। सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है, तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं और मे भी हो सकता है 6 नंबर का एक क्वेश्चन आए। इसलिए ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।